फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये हैंड ग्लव्स बनाना शेयर करने जा रही हूँ। ये हैंड ग्लव्स मैंने 7 से 8 ईयर के बच्चे के लिए बनाए हैं। ये हैंड ग्लव्स मैंने यहाँ से 44 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। तो 44 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद 20 रोज़ का मैंने ये बॉर्डर बुना है। आप अपनी चॉइस से इस बॉर्डर को कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। इसके अलावा बीच में मैंने ये 2 रोज़ की सिंपल लाइंस बुनी हैं। तो ये जो मेरा बॉर्डर है, ये मेरा 20 रोज़ का बॉर्डर है। इसके अलावा मैंने ऊपर 1 इंच की बुनाई की है और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो थंब की कटाई है वो स्टार्ट की है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा पाम एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो है, आपने जिस भी बच्चे के लिए या किसी के लिए भी ये हैंड ग्लव्स बनाने हो, तो ये जो पाम एरिया होता है इसकी साइज़ के हिसाब से आपने ये साइज़ बुनना है। तो जिसके लिए भी आपने बुनना है, यहाँ से आप बॉर्डर का हिस्सा रखेंगे, 1 इंच तक आप यहाँ तक बुनेंगे और उसके बाद आपकी थंब की कटाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से उसके बाद हम पाम एरिए में ये इतना हिस्सा सीधा बुनेंगे और उसके बाद हम आगे फिंगर्स के लिए स्टिचेस डिवाइड करेंगे। तो स्टिचेस फ्रेंड्स, मैंने 44 स्टिचेस रखे हैं। आप जो है अपनी निटिंग नीडल के हिसाब से और यार्न के हिसाब से स्टिचेस कम और ज़्यादा रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हैंड ग्लव्स को बुनना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 2 कलर लिए हैं। ये इस तरह का डिज़ाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कलर लिए हैं और इसके साथ ही मैं यहाँ पर 10 नंबर की नीडल का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 44 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये 20 रोज का बॉर्डर बुन लिया है। तो ये
जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है इसको हमने यहाँ पर पर्ल करना है। तो यहाँ पर मैंने 12 स्टिचेस लेने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो एक्स्ट्रा धागे हमारे इस तरह से लटके हुए हैं इनको हम सुई की हेल्प से बाद में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टिचेस हो गए। और ये लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 11 ये मेरे सबसे छोटी उंगली के लिए 11 स्टिचेस बचे हैं। इस नीडल को मैं इस तरह से यहाँ पर बंद कर लूँगी। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी साइड टर्न कर ली है। तो दूसरी साइड में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा लास्ट स्टिच था इसको हमने बुना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर अगेन एक स्टिच को पर्ल करना है, एक स्टिच को स्लिप करना है, एक स्टिच को पर्ल करना है, एक स्टिच को स्लिप करना है, और एक स्टिच को पर्ल करना है, एक स्टिच को स्लिप करना है, अगेन एक स्टिच को हमने यहाँ पर पर्ल करना है, एक स्टिच को स्लिप करना है, अगेन हमने यहाँ पर एक स्टिच को पर्ल करना है और एक स्टिच को स्लिप करना है, लास्ट का जो स्टिच है उसको हमने पर्ल करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर लास्ट का पर्ल वाला स्टिच आया है। तो हम जो है तो फ्रेंड्स दूसरी साइड से हम एक स्टिच को इस तरह से उठा लेंगे, ये देखिए, और इस साइड से भी यहाँ से एक स्टिच को उठाना है और उसको पर्ल करना है। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर इस तरह से साइड टर्न करनी है। तो अब फ्रेंड्स फर्स्ट स्टिच जो हमारा बुना हुआ है इसको हमने स्लिप करना है और नेक्स्ट स्टिच को पर्ल करना है, अगेन एक स्टिच को स्लिप करना है और नेक्स्ट स्टिच को हमने पर्ल करना है, अगेन एक स्टिच को हमने स्लिप करना है और नेक्स्ट वाले स्टिच को हमने पर्ल करना है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से अब हमने ये वाली फिंगर भी बना लेनी है और लास्ट में हम सबसे छोटी वाली फिंगर बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी रिंग फिंगर भी तैयार हो गई है। अब हमने सबसे छोटे वाली फिंगर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, फर्स्ट स्टिच को स्लिप करने के बाद अगेन हमने धागा लगाना है और यहाँ पर सेकेंड स्टिच को यहाँ पर इस तरह से पर्ल करेंगे, एक स्टिच को हमने स्लिप करना है, एक स्टिच को हमने पर्ल करना है, एक स्टिच को हमने स्लिप करना है, एक स्टिच को हमने पर्ल करना है, एक स्टिच को हमने स्लिप करना है, एक स्टिच को हमने पर्ल करना है, एक स्टिच को हमने स्लिप करना है, एक स्टिच को हमने पर्ल करना है। तो फ्रेंड्स ये पूरी रो मैंने इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। तो दूसरी साइड से यहाँ पर हमने सेम उसी तरीके से स्टिचेस उठाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरी साइड आ गए हैं, यहाँ पर जो है मैं एक स्टिच को पर्ल करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको गैप दिखाई देगा, तो हमने इस गैप को कवर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच उठाना है और दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच उठाना है और उसको पर्ल करना है, धागे को हम दूसरी साइड करेंगे। अब फ्रेंड्स सेम उसी तरीके से क्योंकि लास्ट स्टिच को हमने बुना हुआ है तो इसको हम स्लिप करेंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच को हमने पर्ल करना है, अगेन एक स्टिच को स्लिप करना है और अगेन एक स्टिच को पर्ल करना है। तो ये सेम बाकी फिंगर्स की तरह ही हमने इस फिंगर को भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरा हैंड ग्लव्स बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा साइड का पोर्शन था इसको मैंने सुई से सिल लिया है, ये धागे भी हमने सुई की हेल्प से ही बंद कर दिए हैं। तो जितने भी धागे मैंने यहाँ पर काटे थे वो सारे हमने सुई से बंद कर लेने हैं। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप चाहें तो फिंगर्स की लेंथ कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो है इन हैंड ग्लव्स की लुक आएगी, ये दोनों साइड से मैंने इस तरह से सिल दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आप इस साइड को भी इस हैंड ग्लव्स को पहन सकते हैं और इस साइड को भी आप इस हैंड ग्लव्स को पहन सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये एक हैंड ग्लव्स तैयार किया है सेम उसी तरीके से आपने दूसरा हैंड ग्लव्स भी तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।